हाय गाइस, सबका ऑटो लिंकल चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं सिनेपोलिस अंधेरी रेंज, जिसमें लगा है राजा और रानी। चलिए दोस्तों, जा रहा हूं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए। देखते हैं पब्लिक है कि नहीं है। और ए दिल मुश्किल के बाद करण जौहर ने ये उन्होंने डायरेक्शन किया है। मूवी थोड़ी बड़ी है सुनने में आया। देखते हैं कि ये जो है डायरेक्शन उसी तरह है। ये है दोस्तों, ख़ास बात यह है कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि बहुत दिन के बाद जो है कोई डायरेक्टर समझदारी का काम किया है और जूने एक्टर लोग को लिया। धर्मेंद्र हो गए, जया बच्चन हो गई, फिर शबाना आजमी हो गए, ऐसे मतलब जो जिनको कोई नहीं पूछ रहा था, मतलब इन्होंने चांस दिया और लेने की कोशिश। मैं यही हमेशा बताता हूँ कि जूने एक्टर हैं तो उन्हें बैठने मत दो, उन्हें काम दो। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं करण जौहर का ये डायरेक्शन कितने काबिल तारीफ़ है। और मैं आपको दिखा दूं कि दोस्तों देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ दोस्तों। तो आपको मैं दिखा दूं सामने से कि मैं यहीं पे हूँ। और फर्स्ट डे फर्स्ट शो आप लोग को मालूम, बहुत दिन हो गया मुझे देखे। तो गाइड्स, देख सकते हैं मैं सिनेपोलिस अंधेरी वेस्ट में खड़ा हूँ, अंधेरी में। और ये जो है देखिए, देख सकते हैं आपको पोस्टर का मैं सामने से दिखाया, जो कि पोस्टर काबिल तारीफ है। और देखते हैं कि ये मूवी कितनी खरी उतरती है और कितने काबिल तारीफ जो है हमेशा जो है सुर्खियों में रहे करण जौहर, जो कि कुछ दिनों से उनकी मूवी कोई चल नहीं रही। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये दिल मुश्किल के बाद जो है करण जौहर ने इस मूवी का डायरेक्शन किया है। दोस्तों, कितना अच्छा डायरेक्शन किया और कितने खरे उतर रहे हैं देखते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो सिनेपोलिस में 8 बजे का शो, राजा और रानी। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी आइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं राजा और रानी। और दोस्तों, मेरा चैनल भूलिएगा मत, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी ज़रूर बजाए। घंटी बजाने से ये होता है नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दोस्तों, बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।